जोहरी लंबे वक्त से सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे थे। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सोना प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 5000 रुपए तक लुढ़क गया और चांदी भी 7% तक सस्ती हो गई। लेकिन कहीं न कहीं सस्ता सोना खरीदने के लिए जो एक मौका आया था वह हाथ से निकल गया, क्योंकि जब से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है, जिसके बाद पिछले सप्ताह आपने देखा होगा सोने और चांदी के दामों में अचानक तेजी देखने को मिली है। पिछले सप्ताह यानी कि 4 अगस्त तक देखते ही देखते सोने की कीमतों में 2261 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि जो सोना 5000 रुपए तक घटा था वह 2500 रुपए तक वापस बढ़ गया। वहीं पिछले सप्ताह है चांदी भी 2230 रुपए बढ़ी। दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो चांदी 83501 किलोग्राम रही शनिवार को, वहीं सोना 70392 प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि जानकारों की माने तो अभी भी सोना और चांदी जानकारों को सस्ता ही लग रहा है, क्योंकि एक बार सोना 74000 रुपए का आंकड़ा छू कर आया था और चांदी भी 97000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। लेकिन बजट के बाद अचानक दाम घटे और अब ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से एक बार फिर सोने के भाव में तेजी लौट आई है। हालांकि जानकारों की माने तो दोनों देशों के बीच शांति कायम हो जाती है तो एक बार फिर सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन अब सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आने की संभावना तो काफी कम है। अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी भी हाथ से मौका निकला नहीं है, मौजूदा भाव अच्छे हैं, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। जानकारों की माने तो आने वाले 2-4 सप्ताह तक सोने और चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।